बशीर बद्र का एक शेर है कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। ये राजस्थान की सियासत पर खूब फिट बैठता है। ये शेर फिट बैठता है गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत पर। 5 साल तक राजस्थान की सियासत में एक दूसरे के वजूद को नष्ट करने के प्रयासों में लगे रहने वाले गहलोत और शेखावत के बीच की ये तस्वीर देखकर भला कौन कहेगा कि ये दोनों दुश्मन हैं। एक तरफ दिल्ली की अदालतों में अशोक गहलोत के खिलाफ हुए मुकदमे में सुनवाई चल रही थी, मुकदमा भी क्या, शेखावत की मानहानि का मुकदमा। दूसरी तरफ जयपुर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सूबे की सियासत में पिछले 5 सालों में एक दूसरे के खिलाफ सबसे ज्यादा आक्रामक रहने वाले ये तीन चेहरे एक दूसरे के बगल में बैठे और खूब बातें की। इन तस्वीरों को देखकर सामने बैठी जनता भी यही कह रही होगी, समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। दरअसल जयपुर में राजस्थान की नई सरकार का शपथ ग्रहण हो रहा था। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री के नाते अशोक गहलोत भी मंच पर मौजूद थे। ये तस्वीरें जिस समय की हैं, उस समय तक प्रधानमंत्री मोदी मंच पर नहीं पहुंचे थे, कार्यक्रम शुरू होने में देरी थी। गुलाबी नगरी में दिसंबर की ठंडी दोपहर में अल्बर्ट हॉल के आगे सजे इस मंच पर राजस्थान की सियासत के तीन सबसे प्रमुख किरदार बैठे थे। वो किरदार जिनके इर्द गिर्द पूरी चुनावी लड़ाई और चौसर बिछी हुई थी, गजेंद्र सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत। जिस समय जयपुर में शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो रहा था, ठीक उसी समय दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अशोक गहलोत पर दायर मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। ये मुकदमा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से ही हुआ है। हालांकि शपथ ग्रहण की वजह से अशोक गहलोत और शेखावत दोनों ने हाजिरी माफी की अर्जी लगा दी, जिसकी वजह से कोर्ट ने अब 22 दिसंबर को दोपहर 2:30 बजे फिर से सुनवाई का फैसला लिया है। चुनावों की लड़ाई खत्म हो चुकी है, अगले 5 साल के लिए जनादेश स्पष्ट हो चुका है। राजस्थान की जनता भी हुक्मरानों के बीच इसी तरह की खुशमिजाज की तस्वीरें देखना चाहती है। दरअसल अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत दोनों जोधपुर जिले से हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ही चुनाव हराकर शेखावत दूसरी बार सांसद बने। इधर गहलोत के समानांतर मारवाड़ में बीजेपी के बड़े चेहरे के रूप में शेखावत का कद बढ़ने के बाद से गहलोत लगातार शेखावत पर हमलावर रहते हैं। 2020 में आए राजस्थान के सियासी संकट के बाद गहलोत ने शेखावत के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है, जिसका असर इस बार के चुनावों में भी दोनों नेताओं के बीच चले बयानबाजों में देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिकल पंचायत।